अस्सलाम वालेकुम नाज़नी, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो हम आपको सिखा रहे हैं वो है चिकन टिक्का मसाला। और ये कैसे बनेगी, इसकी रेसिपी क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने दो प्याज ले लिए बड़े बड़े, ठीक है, काट लिए। ये मैंने गोश्त डाल देती हूँ। मतलब आपने प्याज पकड़े रखने नहीं है सीधा, आप डायरेक्ट मतलब आपके प्याज के साथ ही ये देखें, ये टिक्का मसाला नेशनल का भी मैंने डाल दिया सारा कुछ, ठीक है। ये दही है, ये आपने दही कितनी ली है, ये कटोरी है, पाव है दही, एक पाव दही है, ठीक है। वो मैंने फिर बर्फ़ जम गई, फ्रिज में पड़ी थी ना, बर्फ़ जम गई, ठीक है। तो हम लोगों ने मतलब चिकन लिया है 1 kg, प्याज लिया है, और कितने प्याज लिए हैं, दो या तीन, दो बड़े बड़े, दो बड़े साइज के हम लोगों ने। अच्छा, ये मैंने ना घी भी डाल दिया साथ ही, और हम लोग ने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया तकरीबन 3 से 4 चम्मच। हाँ जी, नहीं तो अब हम लोग मतलब प्याज को पकने रख देंगे। अब मैं पकने रखूँगी ना, इसे मिक्स कर देती हूँ। हाँ जी, ये तो वो आकर सर्दी है ना, तो बर्फ़ जम गई दही में, वो कोई नहीं, हाँ दही डाल दिया, हाँ कोई बात नहीं, आपने ना बर्फ़ जम गई, ये देख रहे फुल भी गई बर्फ़। तो ये ना मैं ना पकने, हाँ जी ये पकने रख दूँगी, तो बस ये साथ ही प्याज हो जाएंगे, तो साथ ही ये गोश्त भी गल जाएगा, फिर भून के झटपट बन जाएगी। ओके, मतलब अब हम लोगों इसके अंदर पानी डाल के पकने के लिए रखना है। हाँ, थोड़ा सा पानी डालती हूँ ना मैं अभी, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये रख दिया, इसको मैरिनेट कर लिया है। अब हम लोग इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, पानी डालने के बाद हम लोग इसे पकने के लिए रख देंगे, और फिर जब हमारा चिकन गल जाएगा तो फिर हम लोग इसको भून लेंगे, और जो हमारी मज़ेदार सी झटपट रेसिपी जो टिक्का चिकन टिक्का मसाला है वो तैयार हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि मज़ेदार सी रेसिपी कैसे तैयार होगी, तो आप लोगों ने कहीं ना वीडियो को पूरा देखना है। तो ये मैंने ना आधा कप पानी का भी डाल दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने गोश्त पकने के लिए रख दिया, इसके अंदर हम लोगों ने आधा कप जो है पानी का वो भी शामिल कर दिया है। तो अब हम इसको पकने के लिए रख रहे हैं, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार सी जो सी हमारी चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन चिकन जो है वो भी नहीं गला, पानी भी इसके अंदर है, तो चिकन ने भी पानी छोड़ दिया। तो मज़ीद अभी थोड़ी देर के लिए इसको पकाते हैं, और फिर इसकी हम लोग भुनाई करेंगे। उसके बाद जो सा हमारा टिक्का मसाला, इसकी टिक्का मसाला है, हम लोगों ने इसके अंदर जो बाज़ार का मसाला है वो शामिल किया, तो खुशबू इसकी बहुत उम्दा आ रही है, बबल्स इसके अंदर बन रहे हैं। तो अभी हम लोग वेट करते हैं, पानी को खुश करते हैं, और आपको दोबारा दिखाते हैं। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाँ जी, ये पानी सूख रहा है इसका, अब ये घी आ जाएगा, तो हमारा ना सालन तैयार हो गया, टिक्का मसाला बनाया, मसाला डाल के, हाँ जी चिकन टिक्का वो डाला मैंने, तो वो जायका बहुत अच्छी है, दही की वजह से भी जायका बन गया। तो अब ये पानी सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं इसका, घी आ जाए तो झटपट भी बन जाता है। ये सब चीज़ें मैंने इकट्ठी डाल दी थी ना, जी जी, चिकन तो वैसे भी मतलब जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको पकने में। हाँ जी, ये बस हो गया, ये देखे ना, ये घी आना शुरू हो गया, ये देखे साइड पे आ रहा है घी, घी आ जाए फिर मैं निकाल के ना आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो मतलब हम लोग उसको भूनेंगे अब। हाँ जी, ये भून ही रही हूँ मैं, ठीक है। इसकी भुनाई के बाद फिर ये जो हमारी आज की रेसिपी है चिकन टिक्का मसाला, ये फाइनल हो जाएगी, फिर इसको हम लोग डिश आउट करते हैं। अगर ये प्याज ऐसे है तो कोई नहीं, ये प्याज भी अच्छी लगती है इसमें, खड़े मसाले की तो हमने ग्रेवी बनाई है इसकी, कोई सब चीज़ें इसलिए मैंने डाली ना कि खड़ा खड़ा मसाला रहे, यानी कि ठीक है। तो व्यूअर्स, इसको हम लोग भून लें, इसको फाइनल कर लें। हाँ जी, अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते तो फिर वैसे टिक्का मसाला तो वो दही डाल के बना लें, हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल थोड़े से प्याज डालना चाहते हैं तो थोड़े से डाल लें, मतलब अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा बनानी है तो मतलब ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कम बनानी है तो कम कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ जी, माशाल्लाह घी आ गया इसके ऊपर, तो अब मैं निकाल रही हूँ। तो चिकन जो है वो भी गल गया है, और जो हमारी मज़ेदार सी रेसिपी है खुशबू का तो क्या ही कहना, कितनी उम्दा आ रही है, दही की वजह से इसका फ्लेवर जो खट्टा भी है, और टिक्के की वजह से टिक्का मसाला हम लोगों ने ऐड किया तो एक टिक्के का फ्लेवर भी आ रहा है, तो उसको हम लोग डिश आउट कर रहे हैं। हाँ जी, आज आप दिखाएंगे। तो ये ले व्यूअर्स, ये है हमारी आज की रेसिपी जो कि चिकन टिक्का मसाला है, इसका फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है।
तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी चिकन टिक्का मसाला पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें। इसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कभी नाजुक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स अब आप लोगों से जा चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।